हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। देखिए ये लॉक है, इसको मैं निकाल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोग नहीं लगा सकते हैं तो ये निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस वीडियो में जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इसमें होता क्या है कि कंसील सिस्टम का जो बॉल कॉक होता है ना सर, वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, नहीं मिल पाता है। देखिए इसको सबसे पहले खोलने का तरीका देखिए, इसको क्या करना है आपको, यहाँ उंगली से ऊपर उठाना है, अनलॉक करना है। और देखिए ये मैंने उंगली से उठाया इसको, यहाँ से इस तरीके से उठाना है, अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद इसको खींचना है आपको, बाहर स्लाइड करना। देखिए यहाँ से उठाया हमने और इसको अनलॉक किया और खींचा और ये बाहर आ गया। तो इसको आराम से आप निकाल लीजिए बाहर। और इसमें होता क्या है कि ये बॉल कॉक कई बार ख़राब हो जाता है, तो ये कहीं मिलता नहीं, ये कंपनी में ही मिलता है। तो इसके जगह पे आप दूसरा बॉल कॉक लगा सकते हैं, जो कि मार्केट में भी आसानी से अवेलेबल है, मिल जाता है, और बॉल कॉक भी अच्छा होता है। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि जब भी आप लोग कोई वीडियो देखें तो प्लीज़ एंड तक देखें। एंड तक में क्या होता ना कि जो सारी चीज़ें होती हैं, जो बारीकियाँ होती हैं, जो समझने वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। देखिए बोल्ट होता लगा हुआ है, इसको खोलना है आपको। और इसमें जो हैंगिंग के लिए ब्रैकेट प्लास्टिक का वो लगा हुआ है, इसको आपको निकालना है बाहर। ये आपको बाहर निकालना है और ये वापस से आपको जो है इस बॉल कॉक में लगाना है। ठीक है, ये बॉल कॉक बिल्कुल फिट है, नया है, और इसमें मैंने कुछ भी छेड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं अपने तरफ से किया है। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस बॉल कॉक में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, वो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये बॉल कॉक आप लगाएंगे और ओवरफ्लो करेगा, बॉडी में टच करेगा बॉल, तो वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बाकी देखिए मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, हमारे जो वीडियो होता है ना सर, ये मैं खुद ही बनाता हूँ और खुद ही काम भी करता हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो की क्लियरिटी अच्छी नहीं है या सारी चीज़ें जो भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ है जो आप नहीं समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी नहीं हो पाएगी? ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी आसानी से, सब कुछ इसमें समझ में आ रहा है। क्लियरिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एंटरटेनिंग वाला कोई वीडियो है नहीं कि आप लोग एंटरटेन करें इसका, या कोई मनोरंजन वाला वीडियो हो कि जिसमें क्लियरिटी नहीं दिख नहीं रहा अच्छे से, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आप समझ ना पाएँ। और मैं इतना एक्सप्लेन भी करता हूँ, बोलता रहता हूँ। देखिए मैंने इसमें लॉक फंसा दिया और इसके बाद इसका बोल्ट लगा रहे हैं। ये बोल्ट खैर ये दूसरा है, और इसी का जो इस बॉल कॉक में बोल्ट लगा था, वही बोल्ट हमको इसमें लगाना है। ठीक है, और बोल्ट लगाने के बाद जो है फिर आप देखते रहिए इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये बॉल कॉक आपको मिल रखा है, ये जो बॉल कॉक है ये तो ब्रांड है, कंपनी का ब्रांड है, इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। लेकिन मार्केट में जो मिलता है, मार्केट में जो मिलता है वो लोकल ही होता है, लेकिन चलता है, वो भी अच्छा चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये सस्ता होता है। ठीक है, और इसमें जो है मार्केट से आप लेंगे वो कहीं भी अवेलेबल है, वो प्लास्टिक सिस्टम में भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। देखिए इसको हमने जो है इसको हमने फिट कर दिया, इसमें उसमें से इसका ब्रैकेट खोल के इसमें फिट किया है, और अब इसको देखिए लगा रहे हैं हम इसमें। इसको भी आराम से देखिए, जैसे लगाता हूँ मैं उसी को फॉलो करना आपको, ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ें इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप, आराम से करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, टूटे फूटेगा कहीं से भी नहीं, क्योंकि इतना कमज़ोर प्लास्टिक भी नहीं होता कि छूने से टूट जाएगा। जब आप बहुत ताकत लगाएंगे तभी प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। देखिए इस तरीके से इसमें स्लाइड करना है आपको अंदर। इसमें आराम से आपको फंसाना है और ये आराम से इसको पुश करना है। ठीक है, ये बैठ गया, देखिए उसमें फिक्स हो गया ये और लॉक हो गया। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इस बॉल कॉक में आप कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट सीधा इस बॉल कॉक को लगा देंगे, तो इसमें होता क्या, जो ये बॉल है ना, ये बॉल बॉडी है, देखिए सिस्टम का बॉडी है पीछे, इस बॉडी में जब पानी भरता है तो ये बॉल जाके बॉडी में टच होता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से ऊपर उठने में इसको प्रॉब्लम होती है।
ठीक है, ये पूरी तरीके से ऊपर नहीं उठ पाता है तो क्या होता है कि आपका पानी जो है वो ऑटो कट नहीं होगा, ओवरफ्लो होगा, तो ये बॉल जो है बॉडी में टच करता है। इसलिए हमने पूरी लास्ट में जो वीडियो जब आप देखते जाएंगे तो उसमें हमने दिखा रखा है कैसे इसको काटना है, कैसे हीट करना है और उसको कैसे शॉर्ट करना है जो रॉड इसमें है, और उसको आराम से कैसे आप जो है वहाँ से काट के थोड़ा छोटा करके फिर से फिट कर सकते हैं। तो इसका वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। तो अब इसमें देखिए क्या है, देखिए मैंने इसको काट के बना रखा, ठीक है, मैंने इसको काटा है, इसको गर्म किया है इसीलिए काला हो गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। काट के इसको रॉड को छोटा किया हमने ताकि ये बॉडी में टच ना करे, बॉडी में टच करेगा तो ऑटो कट नहीं होगा, ऑटो कट नहीं होगा तो आपका सिस्टम ओवरफ्लो करेगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है और ये आपको समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, है ना। अब एंड तक देखने से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक और मॉडल आता है सिस्टर्न का जो है, जिसका बॉल कॉक वो भी मार्केट में नहीं मिलता है, तो उसके जगह पे भी इसको लगा सकते हैं। वो वीडियो के लास्ट में मैंने दे रखा है, उसकी रिपेयरिंग का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है। तो ये देखिए हमने काट के यहाँ छोटा किया हुआ, ठीक है, जिसमें बॉल लगा उस रॉड को नहीं काटा हमने, देखिए यहाँ से इसको काटा हमने, छोटा किया ताकि ये जब इसमें सिस्टम में पानी भरे तो ये ऊपर उठने के टाइम पे बॉडी में टच ना करे, इसलिए काटना पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आती है इससे क्या, बाकी वन पीस, सिंगल पीस, कमोड के, टू पीस कमोड के, कंसील सिस्टम के, टैप्स के, हेल्थ फॉसेट, शावर, इन सबसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करें। देखिए अब ये टच नहीं करेगा, कितना भी कुछ भी हो ये बॉडी में टच नहीं कर, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओवरफ्लो के लिए होता है, ठीक है। इसलिए पानी का लेवल जो है वैसे यहाँ इससे नीचे रहना चाहिए, अगर इस ओरिंग से जो काला ओरिंग लगा है रबर इससे नीचे रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये जो होल है यहाँ से पानी अगर आएगा तो नीचे कमोड में आपके दिखाई देगा गिरता हुआ, ठीक है। तो इस रबर से नीचे रहे तो ज़्यादा बेटर है पानी का लेवल, ठीक है, उसमें लीकेज वीकेज की दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो सर इसमें जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझने लायक ना हो, जिसमें जिसको समझने में आप लोगों को कोई कठिनाई हो रही हो या कोई दिक्कत आ रही हो कि नहीं समझ पा रहे हैं, सब कुछ तो है समझने लायक, बस खाली एंटरटेनिंग नहीं है कि आपको मज़ा नहीं आएगा वीडियो देख के, लेकिन जिसका काम होता है उसको मज़ा भी आता है सर, क्योंकि उसका काम हो गया तो उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जिसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है सर। तो अब वो तो ये अलग चीज़ हो गया कि किसी का काम नहीं है वो ऐसे ही देख रहा है तो वो तो कमेंट में लिखेगा ही कि यार वीडियो की क्लियरिटी अच्छी नहीं है, आपकी वीडियो की क्वालिटी नहीं अच्छी। अरे क्वालिटी वीडियो तो सर उसमें अच्छी चाहिए ना, जहाँ पे कोई एंटरटेनिंग वीडियो हो, कोई मनोरंजन वाला वीडियो हो, ठीक है, वहाँ क्वालिटी ठीक चाहिए, इसमें क्वालिटी की क्या ज़रूरत है, इसमें आपका काम होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई चीज़ है कि जो आप नहीं समझ सकते हैं, जहाँ पे आपको काम करना है वो पूरी चीज़ें इसमें क्लियर दिख रही हैं। तो सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का, देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ दोबारा वापस, मैं रिपीट भी करता हूँ सर कई बार एक्सप्लेन करने के लिए कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं, कहीं पे कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, तभी मैं इतना ब्रीफ करता हूँ, इतना बोलता हूँ कि जो है समय, देखिए लॉक हो गया। सबसे मेन चीज़ है इसको खोलने का, बड़ी आसानी से खोलिएगा, खुल जाता है, इसमें आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए ये क्या होता है कि जब पानी भरता है तो ऐसे ऊपर उठता है, ऐसे ऊपर उठता है, ऑटो कट हो जाता है, नीचे डाउन पानी चालू, ऊपर आया पानी बंद, इस तरीके से वर्क करता है। तो कई बार इसमें कचरा आ जाता है, ठीक है, ये अप डाउन नहीं करता है, तो खोल करके इसको भी क्लीन करेंगे आप तो सही हो जाएगा। इसका मैंने रिपेयरिंग का पूरा वीडियो जो है अपने चैनल पर दे रखा है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। देखिए ये लॉक जो है इसको निकाल देना है आपको, अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो इस लॉक को हटा दीजिए, अब कोई इशू नहीं है, ये रहेगा नहीं रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको हम लोग हटा भी देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं, और दो तीन टाइप के कंसील सिस्टम, तीन चार टाइप के कंसील सिस्टम्स हैं जिनके वीडियो मैंने यूट्यूब पे, देखिए इस तरीके से लॉक को उठाना है उंगली से ऊपर, देखिए इसे ऊपर उठाना है, ऊपर उठा करके ही खींचना, क्योंकि लॉक हो जाता है नीचे जाके, ऊपर उठा के खींचेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो खोलने में तो कोई दिक्कत है नहीं अब आप लोगों को, और जो बॉल कॉक मैंने दिखाया है वो मार्केट में आपको मिल जाता है, तो आप इसके जगह पे उसको यूज़ कर सकते हैं,
उसको पीवीसी सिस्टम जो इंडियन उड़ीसा पेन में लगता है प्लास्टिक सिस्टम के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। अब अच्छा बॉल कॉक होता है, ठीक है, और चलता भी अच्छा है, ड्यूरेबल है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, और पॉसिबल हो सके तो मैं आप लोगों को इतना तकलीफ़ तो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका काम हो जा रहा है और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें और हेल्प करें। हेल्प उनकी भी होगी, वो भी आपको थैंक्स बोलेंगे, जिनको आप शेयर करेंगे उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, वो भी आपको थैंक्स करेंगे, मैं भी आपको थैंक्स करूँगा, ठीक है, और आप भी मुझे थैंक्स करेंगे क्योंकि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा आप लोग ज़रूर हेल्प करें, और अगर कोई दिक्कत आप लोगों को आती है किसी भी तरीके से, वन पीस के बॉल कॉक्स हैं आपके, वन पीस के साइफन की लीकेज है, या कोई और इशू आता है अदरवाइज, जैसे आपके कोई वन पीस लगा हुआ है, अब सबके यहाँ कंसिस्ट सिस्टम तो नहीं लगे हैं, किसी के यहाँ प्लास्टिक सिस्टम बाहर वाल हैंग सिस्टम लगा हुआ है, किसी के यहाँ टू पीस लगा हुआ है, किसी के सिंगल कमोड लगा हुआ है, सिंगल पीस, वन पीस, EWC, तो उन सब से रिलेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे, तो मैं आप लोगों का हेल्प ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक जब तक आप देखेंगे नहीं सर, तो थोड़ी बहुत कहीं कन्फ्यूजन होगी, आप काम करेंगे आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा, फिर आप जो है डिसलाइक भी करेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो अनसब्सक्राइब भी कर देंगे, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखना, उससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेन है क्या इसमें मैं आपको बता दूं, लास्ट में मैंने इसलिए सारी चीज़ें वो डाल रखी हैं कि आपको कैसे सेट करना है। अगर आप नया बॉल कॉक लेके आते हैं, उसका रॉड लंबा हुआ, उसको आप फिट करेंगे, वो नहीं फिट हो पाएगा, फिर वो आपका ओवरफ्लो करेगा, तो एक प्रॉब्लम तो ये आ जाएगी आपकी, ठीक है, तो उसमें भी आपको फिर आपका वर्क नहीं करेगा, ओवरफ्लो करेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर जो है इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा, और कोई इशू नहीं है, आप आजकल तो सबको पता है कि डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, ठीक है, वो मैसेज मुझे मिल जाता है और मैं उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस के लिंक होते हैं वो मैं सेंड कर देता हूँ, वो वीडियो आपको मिल जाएगा और वहाँ से जो है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे मेरे चैनल पर आप जाएंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि ये होता क्या है ना कि अगर इन सब चीज़ों के लिए आप किसी को बुलाएंगे तो 400-500 रुपये, 600 रुपये लेगा भी, प्लस पार्ट वगैरह बदलेगा तो कहीं 1,000-2,000 रुपये आपके खर्चे हो जाएं। वन पीस के बॉल कॉक तो वैसे ही 1,000-1,200-1,400 रुपये खर्च हो जाते हैं उसको चेंज करने में, ठीक है, और इसका बॉल कॉक भी आप अगर सेम ढूंढेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगा इमिजिएटली, लेकिन ये तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये जो मैं लगा रहा हूँ इसमें, ये जो है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है ये आपको, और बहुत सस्ता मिलता है ये मार्केट में जाएंगे आप, ये तो खैर ब्रांड है, ये तो थोड़ा महंगा है, लेकिन मार्केट में जो इस टाइप का बॉल कॉक आप देख रहे हैं देखेंगे आपको बहुत सस्ता मिलेगा, मुझे लगा 100-150 रुपये मिल जाएगा, और इसका जो बॉल कॉक ओरिजिनल इसके साथ आता है वो 680-790-700-800-900 रुपये तक का आता है, ठीक है, उसमें क्वालिटी की थोड़ा सा वो होता है, बाकी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम कह रहे हैं सर आपका 150 रुपये वाला 2-3 साल में बदलना पड़ा, और 600 रुपये वाला अगर आपका 4 साल में बदलना पड़ा तो भी उसका एवरेज तो ज़्यादा है कॉस्ट, तब भी तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा वो, तो कोई ज़रूरी है कि आपको वो 600-700-800 वाला ही लगाना है, ठीक है। अगर 150 वाला 3 साल में बदला आपने और 700 वाला आपने 6 साल में बदला तो कितना फ़र्क पड़ेगा, वो आपका 4 आ जाएगा, 12 साल का कॉस्ट होगा वो, ठीक है, तो इस हिसाब से तो आपका खर्चा कम होगा, और लगाने के लिए आप जितनी बार करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप खुद से कर सकते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कुछ चीज़ें देखिए इसमें मैंने ये जो काट के बना रखा है, काला दिख रहा है आपको, ठीक है, देख रहे हैं आप ये कैसे मैंने बनाया है, इसको कैसे सेट किया है, इसका मैंने लास्ट में वीडियो दे रखा है, इसी में मैंने मर्ज कर रखा है वो वीडियो। सबसे बड़ी चीज़ होता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है ना सर कि कोई चीज़ आसानी से जब मिलता नहीं है तो आदमी परेशान हो जाता है,
फिर उसके दिमाग में आता है कि यार ये कैसे करें, कैसे होगा, क्या होगा, वो छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी लगने लगती है कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए तो क्या करें। तो इसलिए मैं इस तरीके का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने काटा है, इसको काट के सेट किया है और आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर नॉलेज है तो बड़ी से बड़ी चीज़ का अगर आपको नॉलेज है पूरा तो आपको छोटी लगती है, अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का तो छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है तो उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, तो हमको वो बहुत बड़ी हमारे दिमाग माइंड में सेट होता है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब नॉलेज होता है किसी चीज़ का तो वो फिर बहुत छोटा लगता है, फिर वो लगता है कि कुछ भी नहीं है यार, ये तो हमें पता है सब कुछ, ऐसे 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 वो दिमाग में सेट हो जाता है, वो छोटा लगता है, ठीक है। तो चलिए सर, ठीक है, अब आगे आप लोग देखते रहिए, मैं तो बहुत देर से जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो अब मुझे लग रहा है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को थोड़ा सा मैंने इसमें रिपीट कर दिया सर, ठीक है, तो वो अब उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे जो है लास्ट तक देखते रहिए, देखने के बाद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच।